परं ब्रह्म तस्मै श्री उर्वे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव राधे मेरी स्वामिनी मे राधे कौदास जन्म जन्म मोहिति जियो वृंदावने कवा वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पात पे राधे राधे हो पदारविन्दं मुखारविन्दी विनायसितं बटस्य पत्रे शयानपुटे शयानं बलं मुकुन्दं मनसामि रामं श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव येन पितवास्तुते मतेन्द्र देव गोविंद दामोदर माधवीति विकेतु कामकिल गोपिकन्या मुरारी पद विद्रम चित्रवृत दयादकं नमोहं ददा नमो दीन गोविंद दामोदर माधवीति ग्रही ग्रहीण कूपिपदं सर्वे मिलेन समायोगनं पुण्यामि नमामि पठन्ति नित्य गोविंद दामोदर माधवीति सुखं दयानं नीलेनमेनं नमामि विष्णो वृद्धि नमस्य ते अनिश्चितं मान्तानां वदतीन गोविन्द दामोदर माधवीति जिहेनं सदैव भजं सुन्दराणि नमामि कृष्णानि मनोहरणिः समस्तभक्तानि देवक्षाणामि देवसः देवदेहानमिदमेन जाहं गोविन्द दामोदर माधवीति जिहेन रसज्ञ मदप्रियं तं सत्यं हितं तं परं वदामि ऐनीरक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवीति तमेव चाहे मम देहजेहं समागतेन दण्डं कृतेन गृह्याणि भक्तमेवं न मधुरं सुभक्तं गोविन्द दामोदर माधवीति श्रीकृष्णराधावरगोकुलेशगोपालगोवर्धननाथवैष्णव
जिहीन पिदमानमतेन देवं गोविंद दामोदरमाधवेति गोविंद दामोदरमाधवेति। मेरी माता बहन भैया, मेरे पिता त्रु बुजुर्ग, कंधा से कंधा मिलाने वाले मेरे भाई, जन्म जन्मांतर के पुण्योदहों में जो भागवत रूपी कर वृक्ष के नीचे बैठने को अवसर मिले, करुणालय वरुणालय मेरी श्याम सुंदर की आज कथा को पंचम दिवस है। सभी भक्तगण पंचम वेद की आरती को लेकर के अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आरती के लिए चलते ही करुणालय वरुणालय मेरी श्याम सुंदर की आज कथा का दोबारा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि वो ये शांति गीत पावने पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावने पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने, हरि दर्श कराने, बोलो छोटे ब्याजी, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मकसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि वो ये
मधुर बोल जग पंथ खोल तन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला वो बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घन प्रभु की महिमा की आरती उठाइए दोनों हाथ दुगुनों के साथ चलना कहना क्या पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती कृष्णा बोली श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो भगवान की बोली सतगुरुदेव भगवान की चलते हैं आज पंचम दिवस की कथा का शुभारंभ करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी राधे तेरे चरणों की ध्यान से सुनना और सभी बोलेंगे मीठी मीठी तालियों से राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिले जाए श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिले जाए राधे तेरे चरणों की सच कहता हूँ मेरी आइए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की रज सच कहता हूँ मेरी वो सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे राधे तेरे चरणों की सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है है एक बूंद जो मिल जाए राधे एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हे राधे, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। और जितना इसे समझाऊं राधे, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलेता है। राधे तेरे चरणों नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। भैया मुकेश, मुकेश नाम है ना आपका, आज के मुख्य यजमान आप ही है ना। उन नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। क्योंकि नजरों से जो गिर जाए, श्याम नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल पाना। राधे तेरे चरणों की कर जाओ में क्या लिखा है, सभी को कहना होगा ये बात। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। कौन सी? तुम सामने हो मेरे, श्याम हो तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, करे धूल सतगुरुदेव भगवान की। ध्यान देना,
और बोलना ही राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिली जाए क्योंकि बताया है अगर एक बूंद जो मिल जाए तो मेरे जीवन की कली दिल की कली खिल जाएगी। कभी भी ध्यान रखना घर कथाएं तो होती रहती हैं हर जगह चलती हैं जिसे इंसान ने अपने मन में ये सोच लिया ऐसी कथा तो रोज होती है क्या है क्या सुनना है अरे वही भगवान का नाम है राम का नाम लेना कैसे भी ले लो तो समझ लो कि उसके ऊपर से भगवान की कृपा हट चुकी है। खाना खाने से आपका पेट भर जाएगा दूध पीने से पेट भर जाएगा एव अवगुण करने से तुम्हारा पेट भर जाएगा थक जाओगे मगर इस राम के नाम को जितना लोगे जितना सुनोगे जितना कहोगे उतना ही आनंद आता है। आता है ना पहले दिन कम थी पब्लिक कुछ और बड़ी पर कुछ और बड़ी बढ़ती जा रही है क्यों पता ना क्यों बढ़ रही क्योंकि आनंद आ रहा है। चमक जहां होती है जब इस घर आए थे हम तो बड़ा अजीब सा लग रहा था और जब मंच बन गई कलश यात्रा हो गई तो इतना आनंद आ रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं क्यों क्योंकि ये दरबार है गोविंद का। तो चलते ही मैंने कल तुम्हें कथा का रसापान कराया था राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में क्यों हुआ क्योंकि राम जी के जन्म के कई कारण हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका एक ते एक विचित्र कर देखा। राजेश ने भी कथा करा दी राजकुमार ने भी कथा कराई दोनों ने पर्सनल कथा कराई इनसे तो कोई जोर जुलम नहीं था कथा के लिए। ये दोनों की कथा का बीड़ा उठाया क्यों कि पर्सनल काम अपना होता है वो अहंकार का होता है किसका होता है अहंकार का। और यदि हम सब मिलकर के कथा कराएंगे तो भागवत जो होती है वो भाव की होती है किसकी होती है भाव। थोड़ा थोड़ा सबका भाव लगेगा कोई 10 कोई 50 कोई 500 कोई 2 चाहे कोई 20 कुछ देगा सबका सहयोग होगा आनंद आएगा। मगर चूंकि एक बार लिखा है कि चकबी बोली चकवा से यही तो मेरा कहना है बचना है तो अपनों से गैरों से क्या बचना है। जिन्हें तुम अपने मानोगे वो तुम्हें बीच रोड पर धोखा देके जाएंगे। जिन्हें कहते हैं ये मेरा है वो तुमको ऐसा छोड़ करके जाएगा कि पीछे मुड़ के देखोगे तो रेत भी नहीं मिलेगा धूल भी नहीं मिलेगी। आदेश आज रामचरित का थोड़ा सा मैं तुम्हें प्रसंग सुनाऊंगा कि राम कथा के सुनने से क्या होता है और भागवत के सुनने से क्या होता है। राम जन्म के हेतु अनेका और एक ते एक विचित्र कर देखा। पहला कारण क्या है कल मैंने आपको हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई। हिरण्याक्ष के पिता का नाम है कश्यप। कश्यप जी की दो पत्नी एक का नाम दत्ती और एक का नाम अदिति। अदिति के गर्भ से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए और दत्ती के गर्भ से वामन भगवान ने जन्म लिया। एक ही पति है पत्नी दो हैं। हर इंसान के पास में दो प्रकार का दिमाग होता है बुद्धि होती है नहीं ले लो कोई बात नहीं भगवान का नाम ले लो कोई बात नहीं आगे तो कर लेंगे कोई बात नहीं अरे यार क्या करेंगे भगवान के नाम में अपना भी सोच रहा है कोई बात नहीं दो नंबर का काम कर लो दिल्ली में भोपाल में बड़े बड़े घोटालेबाज बैठे थोड़ा सा कर लेंगे तो क्या दिक्कत है हो जाएगा चलो चलो तो दो बुद्धि हो गई। अरे समझा भी देती है कहती चिंता मत करें घबरावे मत सब काम है जाएंगे अरे थोड़ा ज्यादा कम जाएगा ना तो नेक भगवान के नाम में दान कर देंगे भंडारा कर देंगे अन्नपूर्णा का क्षेत्र चलवा देंगे हैं।
मगर ध्यान देना, कश्यप जी ने तपस्या करी तो भगवान ने मांगा। भगवान प्रकट भाई बोले, मांगो, क्या मांगना चाहते हैं आप? ध्यान देना। अब तो महाराज उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, क्योंकि कश्यप जी ने यही मांगा था दत्ती ने, कि मैं चाहती हूं कि मेरे आप जैसा पुत्र पाऊं। कैसा? आप जैसा। अब ये कहें हमें तो राजकुमार चाहिए। अब राजकुमार तो एक ही, राजेश तो था दूसरा, अब राजकुमार तो नहीं है। अब राजकुमार को मांगेंगे तो राजकुमार कहेंगे भाई मो जैसा तो मैं ही हूं, भगवान ने ये वरदान दे दिया कि मैं जरूर आऊंगा। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था कि जब सनक सनंदन सनत कुमार चारों बच्चे के रूप में भगवान के दर्शन पाने के लिए गए, महाराज उन्हीं के पहरेदार थे जय और विजय, उन्होंने नहीं जाने दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया जय विजय को कि तुम्हें एक जन्म की तो क्या, सात जन्म, तीन जन्म तक आप राक्षस बनेंगे। तो पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और बक्रदंत बने। ये भगवान का वरदान था। भगवान ने कहा था कि महाराज तुमने अच्छा नहीं किया। बोले फिर बताइए क्या करना चाहिए। भगवान को भी वरदान दे दिया कि तुम्हें अपने हाथों से जा करके उद्धार करना पड़ेगा। एक कारण वो था, निरे कारण है भक्तों ने कहते, एक कारण ये था। क्या रामायण में आई है क्या? अरे जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अदम अभिमानी। जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म की बढ़ाई होती है, तब तब मेरा गोविंद अवतार लेता है। पृथ्वी पे बोझ बढ़ गया, पाप बढ़ गया, धर्म करने के लिए लोग पीछे हट जाते हैं, धर्म का काम करने के लिए पीछे हट जाते हैं। अभी कह दी जाती है दो लड़कियां लाए और रोज नचाए ना, तो महाराज पब्लिक समाएगी नहीं, ये गारंटी है। बिना मांगे पैसा आ जाएगा। तुम भागवत कथा कराने के लिए चंदा हुआ तो नहीं आएगा। तुमको भैया नौटंकी ला रहे, नौटंकी ये नौटंकी करवाएंगे, बिना मांगे 10,000 की गड्डी निकलेंगी। लो महाराज कोई बात नहीं, रे ले यार करवा, का टेंशन ले रहे हो। चूँकि भागवत में जाएंगे तो दारू पी नहीं सकते हैं, और वारण नौटंकी में जाएंगे तो दारू पी के उड़ाएंगे ना लूट। क्यों जी? ये कलयुग की प्रशंसा है। भगवान का नाम लिया जा रहा हो कहीं तो प्रभु के जाने के लिए मन नहीं करेगा, अरे रहने दे यार, क्या करेंगे वहां जाकर के। पागल जिस दिन तू मर जाए, मरेगा ना, उस दिन तुझे राम की जरूरत पड़ेगी। पहले राम चरित में, राम के राज में ये बताया है कि राम दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज न काहू व्यापा। राम जी का राज किसी को नहीं व्यापा, व्यापेगा भी नहीं। यदि राजा सही है तो प्रजा दुख नहीं पा सकती, ये गारंटी है। प्रजा अपने कर्म गलत करे तो उसका तो कोई जिम्मेदार नहीं है। क्यों भैया? हैं? मानो आप जाकर के स्पीड से बाइक भगाओ, सर पे हेलमेट ना हो, बाइक ठुकरा जाए, टक्कर लग जाए और एक्सीडेंट हो, खत्म हो जाए, तो उसमें परमात्मा के दोष है क्या? सरकार का दोष नहीं है इसमें। सरकार तो पल पल पे कह रही है कि आप अपना पूरा काम कीजिए, तुम्हें जरूरत नहीं है। तो वही बताया है, हैं? राम जी का राज लौट के आएगा, जरूर आएगा, लग रहा है मुझे, अब याद आ रहा है। और सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंची। कैसे पहुंची? गए देवा
सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा कई देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओ जो कुछ आयुष ब्रह्म है दीना हरस देवन की बिलंबारा सिया राम जय जय राम बोलिए सिया राम जय जय राम ओ राम कथा सुर तर की छाया दुख भय दूरी निकट जो आया राम सिया राम जपत जिस नाम राम सिया राम सिया राम जय जय राम श्री राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम कथा सुरतर की छाया दुख भई दूर निकट जो आया छल कपट से मत आइए मेरा गोविंद कहता कि तुम उसे क्या छिपाएगा तन की जानो मन की जानू जानू चित की जोरी और तू मोते का छिपागो मेरे हाथ में संसार की क्योंकि एक बार भगवान कन्हैया दुर्योधन के पास गए वहां से लौट के आई और सीधा बिदरानी के घर पहुंचे बिदरानी नगिन नहा रही थी आवाज लगाई बिदरानी है क्या दौड़ करके आई अरे आई है कि नहीं आई आई है पट खोल दिया बैठा लिया बोले महाराज मैं क्या बहू लगाऊं आपको मैं क्या सेवा करूं आपकी बोले कुछ हो तो घर में लाइए मुझे भूख लग रही है केला ले आई केला के छिलका तो उसके मुंह में लगा रहे कन्हैया के मुंह नीचे केला पैक नगिन अवस्था में इतने में बिदुर जी आ गए और जैसे ही बिदुर जी को देखा तो बिदुरानी छोड़कर के अंदर गई और कपड़ा पहन के आई बिदुर जी को बड़ा बुरा लगा क्यों भाई जब वो कन्हैया बैठा था और तू अकेली थी तो नगिन अवस्था में बैठी थी और जो मुझसे कोई बात छिपी नहीं है तो मेरे सामने तू कपड़ा पहन करके आई कि हाँ यही तो कमी है मारना कौन ही खींच के आती खाए के नाम पर होशियार रहती है बैठ के सोती है ध्यान देना उन्होंने कहा बिदरानी ने महाराज सुनो तुमने तो इस शरीर को देखा है तुमने तो इस शरीर को देखा है मात्र और उससे मैं क्या छिपाऊंगी जिसने इस शरीर को बनाया है भगवान ने इस शरीर को बनाया है कौन सा पुर्जा कहां लगाया उसे पता है और उस पुर्जा के लिए उस कारीगर के लिए आप धन्यवाद नहीं दोगे जैसे एक महात्मा जी रेल में बैठ के जा रहे थे ट्रेन में
और अपने झोला में से उन्होंने एक सेब निकाला, एप्पल, ईटिंग, खाना प्रारंभ कर दिया। सामने एक माँ बच्ची माँ की गोद में बैठी थी, 4-5 साल की थी, बच्चा है, सेब को हाथ बढ़ा दिया। माँ ने मना कर, नहीं मांगते, ठीक है। थोड़ी देर चली, फिर मांग लिया, फिर मना कर दिया। तीसरी बार मांगा तो बाबा ने एक फल निकाल के सेब उस बच्ची को दे दिया। बच्ची ने वो सेब लिया और एकदम खाना प्रारंभ कर दिया, खाना प्रारंभ कर दिया। तो उस बच्ची ने जैसे ही सेब को खाया, उसकी माँ ने उसके गाल पे तमाचा खींच के मारा। जो हाथ में सेब था वो भी बाहर, मुख में था वो भी बाहर। बच्ची रोने लगी। बाबा ने कहा, बेटा तूने इस बच्ची को मारा क्यों? पहले मने कर देती तो मैं नहीं देता। बाबा, मैंने इस बच्ची को इसलिए नहीं मारा कि तुमसे सेब मांगा है, मैंने मारा तो इसलिए है कि इसने तुमसे सेब लेने के बाद में तुम्हारे लिए थैंक यू नहीं कहा, धन्यवाद नहीं कहा और सेब खाना प्रारंभ कर दिया। इस बात को महात्मा जी सुनकर के इतने रोए, इतने रोए कि अरे वाह, वाह रे वाह परमात्मा, इस बच्ची के तमाचे ने तो मुझे ज्ञान दे दिया। एक सेब देने के बाद में, सेब को लेने के बाद में इस छोटी सी बच्ची ने मेरे लिए थैंक यू नहीं कहा, धन्यवाद नहीं कहा, इसकी माँ ने तमाचा मारा। अरे तूने तो मुझे ये जीवन दिया है, मानव जीवन दिया है, ये मनुष्य मुझे बनाया है, 84 लाख योनि भोगने के बाद में, 28 नरकों को भोगने के बाद में मैं मानव बना हूं, और मनुष्य योनि में आकर के किस किसने मेरे परमात्मा को धन्यवाद किया है? किया है कभी? चलो भैया मुकेश बताइए, तेरे मेरे, मेरे तेरे, तेरे मेरे के चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है। उसको देना है, उसका लाना है, उसको करना है, वो ये लाना है, वो लाना है, ड्यूटी नहीं जाना है, भोजन कराना है महाराज जी को, आज शाम को ये करना है, वो करना है, अरे आज नहीं कल तू करा देना, ये चक्कर लफड़े में पूरा जीवन निकल जाता है। है निकलता है कि नहीं? ये मेरा साला है, ये साले का छोरा है, ये सास है, ये ससुर है, कौन है किसका, कोई है किसी का? मैं कहूँ ये बेटा मेरा, ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए आया है, सीख जाएगा तो करेगा अपना, कर्म नहीं करेगा तो करेगा, मुझे क्या पता है? आंख बंद होने के बाद में मुझे क्या पता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है? है किसी को पता? है भगवान को भी धोखा दे रहे, लोग छुट्टी करा लेते फिर लेट आते हैं, छुट्टी भी हुई और फिर भी लेट आए, क्या फायदा हुआ? अरे जिसके लिए हमने, देखो इस बात के लिए हरियाणा है, हमारे राजेश जी गए वहाँ, उस डीलर का हर साल का नेम है, 8 साल से मैं उसी आश्रम पे कथा कर रहा हूँ लगातार। वो कहता है कि महाराज जी साल में मुझे 7 दिन मुझे यहाँ देना है भगवान के लिए, ना दुकान पे जाता है, सुबह 8 बजे आता है आश्रम पर, रात को 8:30-9 बजे भोजन करा करके सबको और सुबह करके जब अपने घर जाता है, चाहे किसी का फोन आ जाओ, कितना अर्जेंट काम हो, 7 दिन नहीं जाऊंगा, 8वें दिन भंडारा करके मुझे विदा करके जब कहीं जाता है। इसको कहते हैं भक्ति। यहाँ क्या है? राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, है आंख बची माल दोस्तों का, आंख बंद करके सो जाना, जो कथा में सोते हैं ना वो सर्प योनि में जाते हैं, ये गारंटी की बात है। तुम पर 3 घंटा का समय राम जी के नाम पर नहीं लिया जा रहा है तो क्या देंगे जिंदगी में? कभी आपने भगवान को याद किया? कभी आपने घर बैठ कर के चिंतन किया? हमारे राजकुमार जी भगवान का नाम लेते हैं? भगवान का नाम कोई नहीं लेता है, लेता है। कब लेता है? भगवान मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, इसे ठीक करवा। भगवान मेरे घर में कोई बच्चा, मेरा बालक कोई बीमार ना हो जाए, तो मतलब तो पहले रख रहे हो उससे।
जब तुम मतलब रखोगे, लालच रखोगे तो वो तुम्हारे काम आएगा क्या? क्यों भैया बताइए ना, जब तुम मुझसे लालच रखोगे, मैं तुमसे लालच रखूंगा तो मां प्रीत नहीं चल सकती, ये गारंटी है। मेरे कान्हा ने ये कहा था, मेरे गोविंद ने, राधे मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुमसे प्रीत करूंगा, मैं तुमसे प्रेम करूंगा, मगर तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। तुम ये कहो कि यहां बैठ वहां खड़ा हो, नहीं, जो मेरे मन में आएगी मैं वो करूंगा। यदि इस बात पे आप एग्री हो तो आप हां कीजिए, यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। इस जीवन में आए, मानव जीवन में आने के बाद में यदि हमने परमात्मा को याद नहीं किया, उस गोविंद को कभी धन्यवाद नहीं बोला, तो ये जीवन नहीं है, ये नर पशु है, नर पशु। अरे परमात्मा तो निस्वार्थ, हमें जरूरत नहीं है, हमें चिंता तुम्हारी नहीं, तुम्हें चिंता हमारी है, और इसीलिए तो बैठे वृंदावन में बांके। भरोसा तो करो ना, भरोसा किया था मीरा ने, भरोसा किया था नरसी ने, मीरा नरसी द्रौपदी ने। तुम लोगों का भरोसा तो है मगर द्रौपदी जैसा है, नरसी का सा नहीं है। मेरी माताओं, मेरी बहनाओं, में तुमसे यही कह रहा हूं, मेरे भक्तों, यदि तुम्हें परमात्मा पे पूर्ण विश्वास है, कह दो कि गोविंद यदि तू जो है दुनिया में तो तू जाने, कर्म करना मेरा फल है, रास्ता पे चलना मेरा कर्म है, मगर फल देना तो तेरे हाथ में है। 10 बार कह दिया होगा, हर कथा में समझाता हूं, मेहनत करने से कोई पैसे वाला नहीं होता है, मेहनत करने से पैसे वाला नहीं होता है। यदि मेहनत करने से ये इंसान पैसे वाला हो जाए, 400 रुपए का बेलदार सुबह से शाम तक 5वीं मंजिल पे ईंट चढ़ाता है, और जब शाम को 5 बज जाए तो छुट्टी होती है, कहता है बाबूजी ईंट चढ़ गई, लाओ पैसे देना। बाबूजी कहते हैं आज नहीं, कल ले जाना। बाबूजी को खुद देखना चाहिए कि इस इंसान ने सुबह से शाम तक ईंट चढ़ाई है, तो भैया ये ले 400 रुपए और 10 रुपए किराए के उधर से, 10 रुपए ये, 20 रुपए और पकड़, घर जाकर के अपने बच्चों को आराम से भोजन कराना। हैं? सुबह से शाम तक भूखे पेट पट्टी बांध करके उसने ईंट चढ़ाई और शाम को कह दिया कि आज नहीं कल पैसा मिलेगा, तो कैसा एहसास होगा? हैं? दुख होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा बताइए मुझे। इसीलिए बताया है, कभी किसी की पीठ पे लात मार दे तो बर्दाश्त कर जाएगा, मगर पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। मेहनत करने से रोटी भी नहीं मिलती है दादा, और तुम उसकी शरण में रहोगे? हैं? गोविंद की शरण में आप रहोगे तो ये दावे के साथ है कि वो तुम्हें जन कहां से कहां बना दे। हैं? बताया है कि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का मिट्टी बने शरीर का, मिट्टी बने शरीर का। आज ये परमात्मा की लीला है, आदेश दे दिया, जो कुछ आयस ब्रह्म दीना, हर्ष देवन कीन विलंबा, आदेश दे दिया, उस आदेश का पालन सभी देवताओं ने किया। और जब आदेश का पालन हो गया तो क्या हुआ था पता है ना, कोई बानर बनकर के आया। सेवा करनी कैसे करनी है ये तुम जानो, कैसे करोगे ये मुझे नहीं पता है। क्या मैं ये कहूंगा कि तुम मुझे ला करके जरा चाय पिला दो? क्यों जी, बताओ ना। अरे हर चीज का स्वाभिमान होता है, हैं? मान लिया मैं भिखारी हूं भाई, मेरा घर नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, कभी मैं इधर जाता हूं कभी उधर जाता हूं, चाय पीने के डोलता रहता हूं, तो ये थोड़ी है कि नहीं बिल्कुल ही भिखारी कंगला हूं। क्यों जी,
मगर कहते कि भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो, क्योंकि संत ब्राह्मण सन्यासी ये अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, दूसरों के लिए करते। ध्यान देना, आज महाराज सभी को दे दिया आदेश कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। आज किस तरीका से राम जी ने जन्म लिया है बताए ना। नामी तेते मधु मास पुनीता सुकल पक्ष अब जित हर प्रीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नौमी तिथि मद मास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरप्रीता। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि अभी कोई पड़ोसी कहे कि मेरा ये 20 लाख का प्लॉट है, मैं इसे 5 लाख रुपए में बेच रहा हूं, तो मनोज बाबू तुम ले लो, मुझे जरूरत है, अर्जेंट जरूरत है, पैसा नहीं है, आज ही बेचेगा? नहीं, 2 दिन में दे दो भाई, 3 दिन में बता, 3 दिन में तुझे पैसे ला के दे दो। घर में पैसा नहीं है, उधर जाएगा उधर जाएगा। भैया 5% पे दे दो ना, 2 महीना के लिए चाहिए बस, 2 महीने में वापस कर दूंगा। ब्याज पे ला करके 5% की ब्याज पे, यानी कि 25,000 रुपये महीना फटाक तुमने उस प्लॉट का बेनामा करा लिया। क्यों? कि मैं इसे 5 लाख रुपए का लूंगा तो मैं इसे 4 महीने में, 1 महीने 2 महीने में इसे आराम से बेचूंगा तो कम से कम 20 लाख का बिक जाएगा। 4 महीने में 1 लाख रुपए ब्याज चला जाएगा है? मगर मुझे फिर भी तो बचेगा ना, यही सोच के करता है ना आदमी। कितनी बड़ी बात है, घर में इंसान बीमार पड़ जाए, पैसा नहीं है, ब्याज पे पैसा लेकर के इलाज कराते हैं। बुढ़ा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, फिर भी उसे इलाज करवा रहे, आईसीयू में भर्ती कर रहे हैं। पहले आईसीयू नहीं थी तो क्या बीमारी नहीं कटती थी? पहले खून टेस्ट नहीं होता था तो क्या बीमारी नहीं जाया करती थी? क्यों जी? अब तो यदि नेक भी दर्द है ना तो खून टेस्ट। महाराज गुरुजी कहाँ हूँ मैं? गुरुजी ने अपना टेस्ट करवावे गए हूँ। कहाँ है? चोट लग गई ना गुरुजी, टेस्ट कराना जरूरी है। हम गुरुजी पहले कह रहे हैं रिपोर्ट नॉर्मल, हम काय करवा रहे हो, फिर ना मानो। भगवान पर भरोसा नहीं है, उस मशीन पर भरोसा है, और मशीन से पहले सब चीज बता दिया जाता है। नहीं मानोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। आया क्या? नौमी तिथि चैत का महीना, शुक्ल पक्ष मध्य दिवस अति शीतल घामा, ना धूप है और ना ठंड है, ना जाड़ा है और ना गर्मी है, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसे मालूम पड़ रहा है कि महाराज कितनी बड़ी ये ऐसे बसंत ऋतु खिल गई हो, अब तो जय जयकार होने लगी। एक नहीं, इतनी बड़ी बात सुनना, राम जी में लक्ष्मण जी में कोई 2-4 महीने का 2-4 साल का अंतर नहीं है, ज्यादा ज्यादा खींच के होगा तो 2-4 मिनट का अंतर होगा। राम जी आए, फिर भरत जी आए, शत्रुघ्न आए, लक्ष्मण जी आए, सब चारों भाई गड़गड़ आए गए, चारों के तीन के चार बेटा, तीन के चार, एक एडवांस क्यों है? देख लो ये प्रभु की लीला है,
क्योंकि लक्ष्मण राम जी लक्ष्मण के बिना नहीं चल सकते, और लक्ष्मण को छोड़ते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए चारों भाई के रूप में प्रकट हुए और नाम रखे गए। मगर बताया है रामायण में क्या, अरे कछुक दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस बीते यही भांति, जाए न जाए दिन और राति, कर्ण अवसर सुवजानी, अरे नाम करण अवसर सुवजानी, रामा सिया राम हरे, अरे भूप बुलाए पठे मुनि ज्ञानी, रामा राम हरे, कछुक दिवस एक महीना को तो कछुक दिवस बताया है। बताते हैं कि जब राम जी ने जन्म लिया तो सूर्य एक राशि में एक नक्षत्र में स्थिर हो गया, ना इधर हिला ना उधर हिला, जाए न जाने दिन और राती, ना ये मालूम पड़ती कि रात कब हो गई, ना ये मालूम पड़ती कि दिन कब हो गया। आई कथा का कौन सा छठा दिन है, पांचवा है, हाँ पांचवा दिन। हमें ये नहीं मालूम पड़ा है कि यहाँ आज पांच दिन बीत गए। आपको लग रहा है कि पांच दिन हो गए? किस किस को लग रहा है कि पांचवा दिन है आज? ये लोग गिनती रख रहे हैं, समझ लो इन्हें भारी पड़ रहा है। हाँ हाँ गिनती रख रहे हैं आज, कटगी कलेश कल की दो हजार बात रहेगी, लूत कट जाएगी। हाँ चलो, नाम रखे गए चारों भाइयों के, जो आनंद सिन सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सौ सुख धाम नाम अस सौ सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व वरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस हुई, जाके सुवर्ण से रिपनासा, नाम शत्रु धन वेद प्रकाशा, लक्ष्मण दाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खाओ लक्ष्मण नाम उदा, तेरी सबसे छोटे बेटा का नाम है लक्ष्मण, क्या नाम है, जो लक्षणों के खान है, ध्यान से सुनना। कोई कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कई जगह बात आती है। इस भागवत का सुनना और भागवत का क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, जानते सुनना। इस भागवत को सुनना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण श्राद्धों में माना जाता है। श्राद्धों में यदि आप भागवत कथा कराएंगे, करेंगे, करवाएंगे, सुनेंगे, सुनवाएंगे, तो जितने भी तुम्हारा पितृ दोष घर में वो सब खत्म हो जाएगा इस श्राद्धों में। और भागवत कथा ही होती पितरों के लिए है। जिस घर में गृह शांति ना हो रही हो, शांति नहीं मिल रही हो और सब काम करा लिए हो, तो लास्ट में श्री मद भागवत कथा का ही प्राण होता है। और इस भागवत कथा का प्राण होने पर सारे दुख दूर हो जाते हैं, ये गारंटी है। पर करता तो कोई नहीं है, नियम से टाइम नहीं है, नियम नहीं है, कैसे करें, जल्दी करो भैया,
हैं, इसका विधि विधान से यदि काम होता है तो जीवन धन हो जाता है। अब तुम्हारा जय जयकार भाई, विश्वामित्र को ये बात मालूम पड़ी कि राजा दशरथ के एक नहीं चार चार पुत्र हुए। 14 साल 7 महीना हो गए अवध में। विश्वामित्र आ गए महात्मा जी दरवाजे पर। ये नहीं कहा बाबा क्या लोगे, ये नहीं पूछा बाबा क्या मांगने आए हो, ये नहीं पूछा। कभी तुम्हारे दरवाजे पर संत की पहचान है, आप इंसान हो, जानते को अच्छा कौन है बुरा कौन है, और जो बुरा होता है तो वो खुद ही हट जाता है, और अच्छा जो होता है ना वो जिद पे अड़ जाता है, सच्चाई में अड़ जाता है महाराज, ये ध्यान रखना। सच्चाई यहां होती है, कितनी देखा ना। चलिए बताएंगे, आज महात्मा जी को बुलाया और क्या कहा। हरि चरण पकार की ने अति पूजा, चरण पकार की ने अति पूजा, मौसम आज धान नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करे बाबा रामा सिया राम हरे, विविध भांति भोजन करे बाबा रामा सिया राम हरे, हे मुनिवर हृदय हरस अति पावा रामा सिया राम हरे। संत ब्राह्मण इस गद्दी पे बैठना मेरे बस की नहीं है। मैं ये कहूं कि मैंने इस गद्दी पर बैठकर की कथा सुना रहा हूं, मैं नहीं सुना रहा, कोई आता है मुझसे भी बड़े बड़े संगीत बढ़िया अच्छे कलाकार अच्छे मलुक मलुक से बैठे इधर उधर, देखा है ना कि सिर्फ प्रभु की लीला है। इस मंच का अधिकारी वही बनाया जाता है कि जिस लायक वो है, चाहे उसने किया है या नहीं किया है, कितनी तपस्या की है कितना क्या किया है वो उसके यहां हिसाब है। संत ज्ञानी है, संत महात्मा महाधन आत्मा, साधु जिसकी साधना अटल है, ये काम करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना, नो टेंशन, जानते सुनना। चरण पखारी, ब्राह्मण दरवाजे पर आया और राजा दशरथ ने चरणों को धोया और धोकर के महाराज पूरे घर में छींटा मार करके बोला आइए गुरुदेव बैठिए। ये नहीं पूछा चाय पिए तो बनवाए चाय, दिल्ली वाले कहते ना चलेगी चाय, चाय पिए तो बनवाए, दो चाय लाना कहते ना दो चाय लाना, हाथ भी हिला दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा महाराज भोजन करो तो बनवा में, भोजन करो तो बनवा में, ऐसा है सके कोई आदमी कितना भूखो क्यों ना हो, कह देखो मैं भूखा हूं कह सके, चलो हम तो कह देंगे भैया चाय तुरंत हल्ला काट देंगे, हम तो भूख लग रही है भैया, क्योंकि जब कलयुग के भक्त ऐसे है गए तो भगवान को भी ऐसे ही होना पड़ेगा भैया, चेला जब ऐसे सोच सके कथा में तो हम तो जगा सके, क्यों जी एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे, ऐसे नहीं जोर से हाथ उठा राधे, ऐसे नहीं बात बनेगी जो तुम से नहीं बोलोगी राधे, बोली गोविंद भगवान की। अब तब बोले राजा को भोजन, गुरुजी को भोजन कराया, बोले महाराज बताओ अब मैं क्या सेवा कर सकता हूं तुम्हारी, कि मुझे सेवा में कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ धन दौलत तो मांगने के लिए नहीं आया, मैं तो आप लोगों का सहयोग मांगने के लिए आया हूं, यदि आप लोग सहयोग देंगे तो मैं सब कुछ मांगूंगा, तो मांगो कि ऐसे नहीं मांगते, और कि पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा, कैसे
तो राजा दशरथ ने क्या कहा था पता है? थोड़ा भैया वॉल्यूम उठा के रखो मेरे माइक। अरे रघुकुली रीति सदा चल आई, प्राण जाए परे बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। महाराज रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न, प्राण चले जाएंगे मगर बचन नहीं जाएंगे। हम वो छत्री हैं कि हम अपनी प्राणों की नौछावर दे देंगे मगर अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मगर इंसान आज है कोई, तुम बैनामा करवा लो कहोगे जमीन को मकान को, और वह तो कह दे भैया 2 महीना में खाली कर दई, बैनामा है गो पैसा पहुंच गए और 2 महीने बाद वाते कि भैया तेरा टाइम पूरा हो गया तू खाली कर दे, तो क्या जवाब देता है? अरे यार कर देंगे 10-15 व्यवस्था लग रही है कर रहे हैं काम है ठीक है, और तुमने ने कुछ जोर से कह दी तो जा करवा ले खाली केस करवा लो दे तू ही देखेंगे जा करवा ले, पैसा का पैसा ले लिया है और फिर लड़ केस आ जा, ऐसे है ना? क्यों भैया मुकेश क्यों सर हमारे क्या बात है बोलो ना। बोले गोविंद भगवान की, आज भी सत्यवादी हैं पहले भी सत्यवादी थे, आज भी मंत्रों में ताकत है और पहले भी ताकत थी। देखा होगा आपने किसी को सर्प काट ले तो बाइगी मंत्र से झाड़ा मारता है और उसे ठीक कर देता है, करता है नहीं? वो तो दवाई पीता नहीं है पिलाता नहीं है। रोज भूल जाता है गिलास मांग। बोले गोविंद भगवान की, आइए क्या मांगा है? अरे असुर समहुरे सतावहि मोहि, अरे असुर समहि सतावहि मोहि, जाचन आयो नृप तू ही, अरे अनुज समेत देव रघुनाथ रामा सिया राम हरे, चर पद में रामा राम हरे, बोली गोविंद भगवान की, असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आयो नृप तोही। राजा असुर माने दुष्ट, जब मैं धर्म का कोई काम करता हूँ यज्ञ भागवत करता हूँ तो ये दुष्ट लोग मुझे करने नहीं देते, तुम ऐसी कृपा करो ना अपने, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ क्या? कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बध में हो सनाथा, अनुज माने छोटा, रघु नाथा, रघु का नाथ कौन है? उस रघुकुल का नाथ कौन है बताएंगे? हैं राम जी,
अरे आप तो सुल्तानपुर वासी हैं, हम नजदीक के मैं अयोध्या, आपको तो पता होगा ना, रघुकुल के नाथ हैं भगवान राम। और देखो सुनो, पहले मांगा है अनुज, क्या मांगा है, जैसे किसी की गाय दूध दे रही हो और घर में दूध ना हो तो तुम जो कह दोगे भैया अपनी गाय दे दो हमें, मांग सकती हो, नहीं मांगोगे, क्या मांगना चाहिए, रामार्थ सीखो, रामार्थ बता रही है, संकेत दे रही है, बछड़ा को मांग लो, जिससे गाय मिलती है ना उस बछड़े को मांगो, और जब बछड़ा तुम ले आओगे तो गाय को तो खुद पे खुद आना ही पड़ेगा, है आना पड़ेगा ही नहीं, तो विश्वामित्र ने क्या मांगा है, बछड़ा, बछड़ा कौन है, अनुज माने लक्ष्मण। जय सिंह महाराज, आज उनको मांगा तो राजा दशरथ ने क्या कहा पता है, जब महाराज पहले आए तो उनको चरण पखारे थे, है ना, घुसने दिए घर में, जब तो उसे पहले पैर धोए, सबरे में छींटा मारे हैं, और दोबारा जब रहे कुछ दिन ना, और जैसी मांगा ना के चौथे पन, अब तो महाराज के माई आंखें बटेर लग रही, दशरथ जी क्या कह रहे हैं कि चौथे प्रवचन कछु कहे न बिचारी, सर्व सदेउ आज सहरूसा, कि चौथे पन सुत पाए चारी, विप्र बचन कछु कहे न बिचारी। पहले दिन आई तो चरणों को धोया, उसके बाद में फिर नहीं पूछा, विप्र बना दिया, कहां तो गुरुदेव थे, कहां तो गुरुदेव थे, अब कह रहे बताओ, नई नई बातें लोग निकालते, चलो कोई बात नहीं, मांगो भूमि भूमि धन कोसा, मांगो भूमि धन धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा, तुम मुझसे मेरे मकान को मांग लो, हैं मेरी गाड़ी को मांग लो, सबको ले लो, मगर मैं अपने बेटा राम को नहीं दूंगा, मैं क्यों जी दे सकते क्या, तुम्हारे घर पहले तो राम आंग ही ना है, और राम आ जाए तो कोई पड़ोसी के भेज सकता है क्या, हैं, और जब पड़ोसी के भेजोगे तो फिर तो राम जी चले ही जाएंगे, क्यों जी फिर क्या लौट के आ रहे हैं, क्योंकि बताया है ना, जाओ न राम, जाओ न राम, वो तेरी सुनी अयोध्या तड़पे ओ, जाओ न राम, जाओ न राम। राम जी एक बार चले गए 14 साल के लिए, पूरी जिंदगी फजीते में हो गई, हुई थी कि नहीं,
लौट के आए तो कुछ दिन रहे, फिर सीता जी का फजीता हो गया, फिर बेचारे अकेले वनवासी काटा उन्होंने तो। क्या मांगा, क्या कहा? अरे देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, प्रिय कछु नाही। सोमन देव ने समय कमाही, सब सुत प्रिय प्राण की नाही, रामा सिया राम हरे। अरे राम दे तना वरण गुसाई, रामा सिया राम हरे। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मन देव ने समय एक माही। मांगो ना, मैं अपने प्राणों को दे दूंगा, मगर मैं अपने बेटा राम को नहीं दूंगा। कि सब सुत प्रिय प्राण की नाही, राम देतना बरन गुसाई। मैं अपने बेटा राम को तुमको कदापि नहीं दूंगा। इतने में गुरुजी आ गई। हैं? चोरो रो रे, का है को तो ही? काहे के रो रो है? गुरुजी, हाँ, विश्वामित्र जी आए। आए तो अच्छी बात है। अरे ब्राह्मण हैं, संत हैं, दरवाजे पाए, मांगने के कुछ दीजिए। बोले महाराज, मांगे तो सही है, पर कि तो बहुत कछु मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? मेरे बेटा राम को मांग रहे हैं। तो रो क्यों रहा है? तू रो क्यों रहा है ये बता ना मुझे। हैं? जिसका जितना लेवल है उतना ही वहां तक आदमी मांगता है, उससे ज्यादा नहीं मांग पाता है। अभी बेटा राम को मांगने आए तो मांग ले जाते, दो चार महीना को मांग रहे हैं। अरे 10-20 दिन में तेरे बेटा को तुझे वापस कर जाएंगे, क्या टेंशन है? देखना, राम जी ने भी अपना घर छोड़ा है, और जिस बच्चे ने अपना घर छोड़ के दूर चला गया तो वो कुछ बन गया। जिसने अपना घर छोड़ दिया वो बन गया। बन बन देखो, दो शब्द कह रहे हैं, एक ही शब्द बन गया। अब क्या बन गया? राम जी बन गए। अब याद देखो ना, क्या नाम है उसका, अक्कू का नाम है, हाँ आकाश है जो भी है। अब कहाँ है वो? बेंगलोर में बन गया। अब उसे माँ बाप की चिंता नहीं है, माँ बाप को चिंता हो या मत हो, वो अपना आनंद में। और यदि होता दिल्ली में तो किसी फैक्ट्री को देखता है, मिल जाए कंपनी बढ़िया सी, मिल जाए कंपनी बढ़िया सी, और भगवान की ऐसी कृपा आएगी तो वो विदेश हो जा सके, हो सकती है कृपा, ऐसी बात नहीं है। अब बताइए, जब विदेश चला जाएगा तो क्या होगा जी? तो बन गया ना, बन अपना बेचारा रोटी बना रहा, अपना आप खा रहा, तो बन गया, यही तो बन गया है। तो आइए, किस तरीका से दशरथ जी इस अयोध्या नगरी को छोड़ के वन
लगो जा प्यारे खुश रहना मेरे लाल है खुश रहना मेरे लाल। आइए आज वो माँ की आंखों में आंसू है लेकिन अपने कर्तव्य को निभाने के लिए मेरे राम जा रहे हैं लेकिन माँ उनसे कह रही है हो जा तो रहे हो लेकिन मेरे बेटा वो बिन लाल ले तेरे मैं रह ना पाऊंगी बिन लाल ले तेरे बिन रह ना पाऊंगी मेरे बेटा मेरे राम है मुझे कटे न रात और दिन में लाल कैसे काटूंगी ये मैं चौदह साल है ये मैं चौदह साल हो 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 बेटे को विदा कर रही है। आप सपोज करिए अगर किसी माँ का बेटा कहीं दूर जॉब कर रहा है नौकरी कर रहा है तो माँ ये नहीं पूछती है बेटा तेरी क्या सैलरी है तू ड्यूटी से क्या कर रहा है लेकिन बस उस माँ के मन में एक ही बात रहती है अरे बेटा तूने खाना अभी खाया कि नहीं खाया। और चाहे बेटा ड्यूटी से कितना भी मोटा ताजी हो गया है लेकिन माँ कहीं नजर ना लग जाए आंखें भी नहीं मिलाती है और कहती है कुछ खाता पीता नहीं था कितना कमजोर हो रहा है ये माँ की ममता होती है लेकिन फिर भी एक माँ करती विदापन को तुझको तेरी मैया करती पूजा तुझको तुझको तेरी मैया मेरे छैया मेरे राम
तुझको तेरी मैया मत भूल जाना तू माँ को मेरे छैया मत भूल जाना तू माँ को मेरे छैया मत भूल जाना तू माँ को मेरे छैया कटे न रात और दिन हे राम तेरे कटे न रात और दिन मैं तुझे कैसे काटूंगी ने चौथे पन में अपना बेटा देखा हो तो वो कैसे दे सकती है और वही कारण राजा दशरथ के साथ है। राजा दशरथ ने कहा महाराज तुम मेरे प्राणों को मांग लो मगर मैं अपने बेटा राम को नहीं दूंगा। ठीक है इतने में वशिष्ठ जी आ गए। ए! क्यों रो रहा है? राम जी को मांग रहे मेरे बेटा को तो पर क्या हो गया दे दे। बोले महाराज मैंने चौथे पन में देखा है। तो क्या हो गया? अरे ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, इनके पास में कोई नई विद्या होगी, नई विद्या सीखने को मिलेगी। क्योंकि घर में माँ बाप के पास बच्चा रहता है तो वही सीखता है, चाची चाचा मम्मी बाबा। तो स्कूल में जाता है तो क्या सीखता है? क्यों जी ABCD ई एफ जी तक सीख जाता है। आज वही कारण है, समझाया बहुत समझाया और सुनाया। सुन तेरे बेटा राम को ध्यान देना। आज महाराज दशरथ को समझाया कि तेरे परिवार में तेरे वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है बली। क्या नाम है? राजा बली। उन्होंने इतना तक दान किया कि उन्होंने अपने शरीर को भी दान कर दिया। वो कैसे? कि बामन भगवान आए राजा बलि की यज्ञशाला में, राजा बलि के दरवाजे पर आकर के बामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा। कहा महाराज मांगो ना, मंदिर कुआ बाबरी धर्मशाला यज्ञ अनुष्ठान कुछ तो मांगो मांगो। तो बामन भगवान ने कहा कि मैं नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मांग देने से मांगत मांगत मान घट जाता है, मैं नहीं मांगूंगा, मैंने कभी नहीं मांगा तो मैं अब क्या मांगूंगा। ठीक है त्रिवाचा भरवाई। जैसे उन्होंने कहा कि संकल्प कीजिए, संकल्प दिया। इतने में शुक्राचार्य के गुरु आ गए। उनके क्या कर रहा है? क्या हुआ? तू जानता नहीं ये कौन है? कि कौन है ये? विष्णु छलिया है, इसे जमीन का दान मत देना। तेरे दादा हिरण्याक्ष को, तेरे दादा हिरण्याकश्यप को इसने अपने हाथों से मारा है, अभी तुझे भी पातालपुरी पहुंचा देगा। बड़ा खराब है ये। राजा बलि ने कहा कि महाराज जिसे पाने के लिए लोग बाग अपने जीवन को निकाल देते राम 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 करने पे, यदि ये तीनों लोकों का स्वामी है, क्यों जी ये तीनों लोकों का स्वामी है तो मेरा कल्याण तो सुत ही हो गया। और ये मेरे दरवाजे पे भिखारी बनकर के आया, भीख मांग रहा है, तो मैं जो मांगेगा मैं वही दूंगा क्योंकि मैं इसे वचन दे चुका हूं। समझ रहे हो राजेश बाबू? यार ये तीनों लोकों का स्वामी है तो कोई टेंशन है ही नहीं। और यदि ये भिखारी बनकर भिखारी है, नॉर्मल है और मेरे पास मांगने के लिए आया है तो चाहे मुझे अपना घर बेचना पड़ जाए पर इसे मैं दुखी नहीं जाने दूंगा। संकल्प ये होता है संकल्प।
मजाक हो गया तुम लोगों का। पहले व्यवस्था बना के नहीं चलते, क्या खो गया? घर में गिलास नहीं मिला, गिलास चोरी हो गया, फिर क्या बार बार जाते हो टूट करके? ध्यान देना, तीनों लोगों का स्वामी मेरे सामने खड़ा है कि क्योंकि चौपाई कह रही है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत समय राम आवत नहीं। यदि हमें गंदी आदत बन जाएगी, राम का नाम ले नहीं सकते, तो महाराज आदत कैसे सुधारेंगे? ध्यान से सुनना। शुक्राचार्य ने कहा तू मेरी बात नहीं मानना बेटा, मान जा पछताए को। नहीं मानी। सागर से पूजा करते थे, सागर से, किससे? सागर। और अब क्या करते हैं? अब पूजा में क्या है? पूजा में क्या लिखते हैं पंडित जी? भैया एक लोटा लाना। क्या लाना? अरे विष्णु भजले चाहे शंकर भजले चाहे भजो पूछरी को लोटा है। विष्णु भजले शंकर भजले चाहे भजो पूछरी को लोटा है। और इत उतकू क्यों लुढ़कत डोले बिन पेंदी को लोटा है। लोटा को तो मतलब गए इधर लेट जाओ उधर लेट जाओ उधर लेट जाओ। हैं? लोटा से पूजा करने से कभी फल नहीं मिलता, ये गारंटी है। क्योंकि सागर में गागर होती है, गागर में सागर होता है। सागर जिसमें टोंटी होती है, आप उससे पूजा करेंगे तो तुम्हें लाभ जरूर मिलेगा। अब तो सागर की टोंटी में शुक्राचार्य जी घुरघुली बनकर के बैठ गए। क्यों? क्योंकि पानी नहीं आएगा तो संकल्प नहीं होगा। भगवान समझ गए चालबाजी कर रही है, तो एक सीख उठाई कर दी सागर की टोंटी में। जैसी सागर की टोंटी में किया, शुक्राचार्य बाहर आए, आए तो उनका एक बाजार बंद हो गया। ध्यान से सुनना। तो उन्होंने कहा महाराज तुमने तो मेरी आंख को फोड़ दिया, मैंने ध्यान से सुनना, आपको पीछे चाबी मांग रहे हैं, देखना तुम्हारे ही है ना वो, एक बार देख लो। हाँ ध्यान से सुनना जी। अब महाराज उन्होंने भगवान से कहा भगवान तुमने मेरी आंख को फोड़ दिया। बोले मैंने नहीं फोड़ा है, मैंने नहीं फोड़ा है। क्यों? कि हर इंसान के पास में दो आंखें होती हैं, दो आंखें होती है, एक मिलने के लिए एक लड़ने के लिए, एक अच्छे को देखने के लिए एक बुरे को देखने के लिए। मगर आदमी आज के जमाने में लड़ता है तो दोनों आंखों से लड़ता है। कभी दोबारा जाता है ना, देखा लड़ाई हो जाए तो फिर नजर नहीं मिला पाता है, नजर चुराता है। देखा है ना उस दिन इंडियन टेलर के यहाँ, सामने रेल्ट है बाहर नहीं है बाहर, जब नहीं घृणा हो जाती है तो खुद नजर चुराता है, फिर लगता है कि इसके सामने लग हट जाओ। इसीलिए तो कहा है कि कर्म खोटे ना कर तू संसार में, वरना डूबेगी नैया मझधार में। मैंने तुम्हारी आंख को नहीं फोड़ा है, तुम्हारी आंख पहले से फूटी हुई है। कैसे? कि तुमको ज्ञान तो है कि ये वही है जो पहले आया था, पहले राजेश को लूट के ले गया था, पहले राजकुमार को ले गया था, अब फिर दोबारा तिवारा से आ गया ये राजकुमार, इसे समारो कैसे भी। राजेश अब कब को लूट के लेके जाएगा, चिंता मत करें। बोली गोविंद भगवान की। हाँ ये तो पहचान लिया कि वही, अरे पागल है, पहले वारा तो पहले आया वो चला गया, जो मेरा खाता है वो खाते को खाता पूरा करने के लिए आया हूं, कोई रोक नहीं सकता उसे, रोक ले गया। क्योंकि बताया है चाहे कितने करो यतन हजार तो उन रुकेगा ये तोता है। समझाया
गुरु ने कहा तू मेरी बात नहीं मानना है? नहीं मानूंगा गुरु जी। तीन पग भूमि मांगी। क्या मांगा? तीन पग। एक पग में नीचे के सात लोग नाप लिए, एक पग में सात लोग ऊपर के नाप लिए, तीसरा पैर कहां रखूं? तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। राजा बलि की बहन थी, बहन बहुत खराब होती है, ध्यान रखना। फिर बात आ गई कल वाली बात, होलिका वाली बात ही ऐसी, हाँ बुआ वाली। अब वो राजा बलि की बहन थी, उसने कहा रे ऐसा बेटा यदि मेरे होता तो मैं अपना दूध पिलाती। जब भगवान आई, ऐसा बेटा मेरे होता तो मैं इसे अपना दूध पिलाती। भगवान ने कहा एवं वस्तु, ऐसा ही होगा, आज नहीं कल होगा, यानी द्वापर युग में। जैसे उन्होंने जमीन को मांगा, तीन पग भूमि में जमीन को नापा और राजा बलि से कहा कि तुम्हें मैंने पातालपुरी का राजा बना दिया। किसका? पातालपुरी का। जानते सुनना, जब पातालपुरी का राजा बनाया तो उसकी बहन ने कहा यदि ऐसा पुत्र मेरे होता तो मैं अपने आंचलों से कालकोट नाम का विष लगा करके, जहर दे करके मार देती इसी को। भगवान ने कहा है वो मस्तु, ऐसा ही होगा। तो ये कल आएगी पूतना बन करके कथा, ध्यान से सुनना कि मन चाई होवे नहीं प्रभु चाई हो तत्काल, कि जानो चाहते स्वर्ग को पहुंच गए पाताल। मन चाही नहीं होती है, क्योंकि कहती ना रावण से मंदोदरिनी भी कहा था, अब ना होने की तेरे मन माने की, ना होने की तेरे मन की, अब ना होने की और लंका जर जाएगी, अब देख तेरी सोने की है? ये काम है। अब तो महाराज समझाया राजा बलि को, बहन को, मांग। बोले मैं नहीं मांग रहा हूं। क्यों नहीं मांगेगा? भिखारियों से भीख क्यों जी? भिखारी भीख मांगने आया, उसका भिखारी का पैसा तुम ले लो तो कैसा अच्छा लगेगा क्या? चो भैया क्या नाम है? मनोज भैया। माना भिखारी भीख मांगे और वह पैसा चंदा तुम ले ले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? महाराज मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगता हूं। क्या तो मैं तुझे देता हूं कि क्या कि मैं तुझे पातालपुरी का राजा बनाता हूं। कहां तो राजा बलि ने कहा था कि मैं इतनी बड़ी यज्ञ कर रहा हूं और इस यज्ञ को करने के बाद मैं इंद्रपुरी का राजा बन जाऊंगा। कहां का? इंद्रपुरी। इंद्रपुरी कहां है? इंद्रपुरी कहां है बता सकते हैं आप लोग? हैं? इंद्रपुरी के किसे कहते हैं? इंद्रप्रस्थ? नहीं पता है? सही कह रहा है राजेश। इंद्रपुरी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के लिए कहा जाता है। पहले इसका नाम दिल्ली नहीं था, इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। और हमारा इस समय इंद्र कौन है? इंद्र नहीं पता? नरेंद्र मोदी जी। ये जो आज 69 वर्ष के हो चुके हैं, कल समय नहीं था, कल उनका बर्थडे था, तो वो आज 69 साल में चलना, यानी कि 69 पूरी हो चुकी हैं और 70वीं साल में उनकी आयु लग चुकी है, तो उनके लिए चार शब्द चलते ही लेकर के, कल तो समय नहीं रहा था, टाइम भी बहुत हो गया था, तो क्या चीज लाई बना करके, ध्यान से सुनना। बोले गोविंद भगवान की है। आज महाराज समझाया दशरथ की तरह जिद बढ़ गए सब। ये जितनी रोड चमक रहे हैं ना, आप देख रहे हैं रोड, ये सब प्रधानमंत्री योजना की मेहरबानी। किसकी मेहरबानी पता है? नहीं है अटल जी की।
उस गांव से उस शहर से उस शहर में जाना, उससे जाना, बढ़िया रोड चौड़ा रोड होना चाहिए। ये सब पीएम की मेहरबानी है। अटल जी को आज भी दुनिया याद करती है, सबके दिल में बस है। और वही जगह हमारी मोदी जी ने बनाया है सबके दिल में। सबको एक समान है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका साथ सबका विकास। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, है कि नहीं है? तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। तो राजा बलि के दरवाजे पे भगवान गई, बोली मांग नहीं, पातालपुरी का राजा बना दिया। पातालपुरी, ध्यान से सुनना, पातालपुरी का राजा बना दिया, खुद चौकीदार बनना पड़ गया। कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कही तो कि राजा बलि को लूट के लाएंगे। सोचा तो ये था कि राजेश और ये सब बड़ी कथा कराएंगे, अच्छा धन आ जाएगा, काम बन जाएगा, एक गाड़ी वाड़ी ले लेंगे चलने घूमने के लिए हैं। पर ये क्या पता था कि हमारी गाड़ी बिक जाएगी यहाँ आके। बोले गोविंद भगवान की, दुनिया का प्रमोशन होता है, हमारा डिमोशन हो गया, हम तो फोर व्हीलर से टू व्हीलर पे आ गए। एक कथा और भाई तो साइकिल पे आ जाएंगे अब कथा। बोले गोविंद भगवान की, है कोई बात नहीं है, आप लोग मिल गए हैं तो कोई साइकिल पे चल लेंगे। मैं तो कथा भूल गया, कहाँ कह रहे हो, कहाँ चल रही कथा? तो वो कह रही तख्त पर चल रही है। हे भगवान। बोले गोविंद भगवान की, राजा बलि के पहरेदार बन गए। अब तो जब पति चौकीदार बन गया, क्यों जी, तो बड़ी समस्या है। पति दूर चला जाए तो क्यों नहीं आ रहे हो, और नजदीक आ रहे तो क्यों नहीं जा रहे हो? तुम या बाबा के संग में बाबा बनोगे, कथा में रहोगे, नौकरी न करनी है? अरे कल चले जाएंगे, छुट्टी ले ली तो कोई बात ना। अरे छुट्टी थी का मतलब है, कि तो रोज काम है पंडित को, तो कि तो रोज आ जाएगा यहाँ मडावली में कथा करे, को दस नंबर में, कहूँ दुर्गा मंदिर में, तो कहूँ काना में ठाकुर साहब के प्लॉट में, या खाली मिलेगा जगह बढ़िया मिलेगी, कोई टेंशन ना है। क्यों जी, अब कैसे होगी, तुम्हें कछू करना कहाँ? आज वो करवे चलो जाए, अजी सुनने ना आओगे ना शाम को, ना आज ना रे, बताओ अब कैसे होगी? ऐसी माता लक्ष्मी गबड़ा गई, उन्होंने कहा मैया, नारद जी पहुंच गई। क्या हुआ, क्यों उदास हो, क्या बात है? बोले नारद, हाँ कि तुमने अपने उनको देखा है? किसको? अपने महाराज को देखा है? हाँ हाँ देखा है, देखा है। कहाँ है? कि जो तो केवल वारे ना हंसधारी, उनके चौकीदारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि ना है? कि कैसे, जिसके पास में जमीन होती है उसे क्या कहते हैं, और जिसके पास में चौकी होती है तो उसे क्या कहते हैं? तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो आप लोग? जमीन बैठे हो ना, तो आप कौन हैं? और मैं कहाँ बैठा हूँ, चौकी पे, तो मैं कौन हूँ? देख लो, चौकीदारी कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। ठाकुर साहब चिंता मत करिए, पूरे महीना का हिसाब ले लूंगा। बोले गोविंद भगवान की, हाँ मैं प्लॉट रखा रहा हूँ, चौकीदारी कर रहा हूँ भाई, इसमें क्या बात है? ध्यान देना, चौकीदारी का नाम लिया तो माता लक्ष्मी घबरा गई। बोले हाँ मेरे पति चौकीदारी करेंगे, यही तो कारण है। क्या? कि भगतन ने मोगु नाना भांति नचायो, भगतन ने मोगु नाना भांति नचायो, भगतन ने नाना भांति नचाया है। भगवान जिस रूप में भगवान को बुलाया उसी रूप में आया, बुला के देखो ना एक बार, हैं? आज भगवान को आए, कैसे आगे वहां से तरकी मैं बताऊंगा। अब दीपावली आने वाली है, 27 अक्टूबर की शायद, चलो तुम्हारी बात मान लेंगे, 27 को तो हमारे घर आ जाएंगे, 28 को तुम तो घर आ जाओगे, ठीक है? बोले गोविंद भगवान की, अब महाराज उसके बाद में एकादशी आती है, जिसमें तुलसी का विवाह करते हैं, उसे एकादशी को कहते हैं देव उठान। क्या कहते हैं?
राजा बलि के दरवाजे पा करके बहन, ये जितनी बहन है ना बड़ी चालाक होती, ध्यान रखना राजेश, इनसे बच गए तो समझ लो भगवान से बच गए। हाँ, कैसी चालाक बन के आई, क्या कहने लगी, अरे छोटे भैया तेरे द्वारे बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वारे बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। दर्द तेरे जीजा जी, राजेश ये नारियों की बात होती है चालाकी की, देखना, बे दर्द तेरे जीजा जी, अच्छा वो करते हैं अपनी राजी, बे तेरे जीजा जी वो करते अपनी राजी। भैया पेंसिल मिल रही है, फ्री नौकरी को भाग रहे हैं, मानने ना है, मैं तो समझाती गई हार बहना बड़ी दूर से आई, ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, जय हो। न मेरी इच्छा बदवाइल हाथ में रखा है, मेरी इच्छा बदवाइल हाथ में रखा। भैया ओ राजेश बा, है वीरन मेरी इच्छा बदवाइल हाथ में रखा है, मेरी इच्छा बदवाइले हाथ में रखा, ऐसो ऐसो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे बहना बड़ी दूर से आई, ताली बजा दे माटी का धोदा, दियो है हाँ। बलि कस की बांध लियो है, माया ने हाथ कियो है बलि कस के बांध लियो है, ओ भैया माया ने हाथ दियो है बलि कस की बांध लियो है, और क्या भैया कची सोनो चांदी ना मांग रही, तो उते क्या मांग रही है, भैया दे दे चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई, ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, जय हो।
जब राजा बलि से कहा, भैया मैं तुमसे तो कुछ मांगने नहीं आई, कि और क्या मुझे चौकीदार को दे दी। अच्छा मां, जब आया होश बलि को, छल ले गई नार बलि को, जब आया होश बलि को, हो छल ले गई नार बलि को, ये तो जादूगरनी नार बहना बड़ी दूर से आई, ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, श्याम हो बड़ी दूर से आई, ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। जैसी राजा बलि ने कहा कि आने का कर दियो, ध्यान देना, रक्षाबंधन कहाँ मनाते हैं? रक्षाबंधन कहाँ मनाते हैं? कौन से देश में? इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में। पर राखी कहाँ से लाएंगे? चाइना की। चमक नहीं, बढ़िया रखा होना चाहिए भैया, रखा। समझ लो जैसे कि चाइना की चीज का भरोसा नहीं है, और जो बहन चाइना की राखी लाए तो उसका भी भरोसा नहीं है। हाँ देखना, दो भाई हो, एक भाई शहर में रहता और एक भाई गांव में रहता हो, और बहन आवे तो गांव वाला तो गांव में ही है ही, छोटे भैया के पास में जाई सीधी, चूंकि सरकारी नौकरी शहर में रह रहा है, अच्छी दक्षिणा देगा, है ना। अब बड़ा भैया कह रहा, बहन कब तक आए? बोले भैया ऐसा ना, छोटे भाई छुट्टी ना मिले, शहर में रहे हो, मैं आज वहां आए के पहले और आके बाद में तेरे पास आ जाऊंगी, है या नहीं? ऐसी इन बहनों का भरोसा नहीं है। हाँ तो है, चलो तुम पे तो भरोसा नहीं कहा तो करो जाते, क्योंकि तुमने बचपन में इनको बहुत मारा है। बोले गोविंद भगवान की। हाँ ध्यान देना, ऐसी बहन हर कोई नहीं, मगर बहन हते हैं, ऐसी बात नहीं, दुनिया में भी हैं और इसी क्षेत्र में हैं कि जो भाई के माल को भी खाना खाने के लिए डोलती हैं। अरे क्या लाओगे, किसको ले जाओगे? भाई पियर माई के खुश है तो हम भी तो खुश हैं ना। हमारा भाई भीख मांगे और हम एसी की गाड़ी में घूमें, चौ जी अच्छा लगेगा क्या? तो वो तो कह, हमें तो खूब आनंद आएगा, ये देख मुस्कराई आई देख ल। बोले गोविंद भगवान की। आज एक छोटी सी कथा ध्यान आ गई मुझे, आज ध्यान देना। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु में दोनों में युद्ध हो गया, पाई दरे दोनों में युद्ध हो गया। माता लक्ष्मी बोली, सुनो तुम्हारे पीछे मेरी वेलकम है राजेश। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे मेरे पीछे तुम्हारी इज्जत है। बोले कैसे? कि भगवान की पूजा कोई नहीं करता, लक्ष्मी की पूजा सब करते हैं। अच्छा भगवान ने कहा कि मेरे पीछे तेरी कदर है, तुझे कौन जानेगा। ठीक है थोड़ा बेस काट दो। उन्होंने महाराज, जैसे ही माता लक्ष्मी में दोनों में बहस हो गई, भगवान ने जाकर के ऐसे आसन लगाया और कहा, भैया हे मंडावली वाले हो, मैं तुम्हारे गांव में या मोहल्ला में कथा करना चाहूँ, करवाओगे? का चाहिए बाबा? कछु ना, एक बाइक दे देंगे, रोटी खवा देंगे, का चाहिए यार, बका तो काटना है। ठीक है कर ले भैया, यजमान बन जाओगे? कहाँ बन जाएंगे, काएगो एक दिन ना मुकेश बन जाएगा, एक दिन मनोज बन जाएगा, एक दिन वो, एक दिन वो, एक दिन वो, सात दिन गिन ले चौजी की जगह बारे जो हंसदारी है, गिन बन गए यजमान कि तो मने कर रहे हम ना बनने ना बनने। अच्छा कल बनेंगे, चलो कोई बात ना। बोले गोविंद भगवान की। बेटा बैठ जाओ नीचे, अच्छे लगोगे, गंदे बच्चे अच्छी बात नहीं करते, बैठ जाओ।
अब तो महाराज भगवान ने जाके आसन लगाया। कथा का पांचवा दिन था। बूढ़ी बुढ़िया का रूप बनाया, सफेद बाल एकदम, हाथ में लाठी ली और टक 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 कर पहुंच गई। और जाकर के सबसे पहले आगे जाकर के जहां वो परिचित बना बैठा था ना, परिचितनी, परिचितनी जो बनी बैठी उसके पास में जाके बुढ़िया बैठ गई। अम्मा ने बेटा ने पानी है? अम्मा वो माता जी को सरकारी लोटा ले, अम्मा पानी पी ले। अम्मा को जैसे हाथ रखा लोटा, तो लोटा गोल्ड का हो गया, सोने का। अब तो उषा की निगाह ऐसी जले, अम्मा कब खांसेगी? अम्मा ने खांसी करी, लोटा हाथ में दिया, सोने का हो गया। अम्मा दोबारा जैसी खांसी बोली, इन्हीं सु जल्दी जब घर से बाल्टी लिया, बड़ी वाली उठा के, बड़ी वाली बाल्टी मंगाई, लोहे की थी। अम्मा ने हाथ लगाया, सोने की हो गई। उन्होंने कि इसने पंडित ने यहाँ में क्या भरवा दिया हमारे तो भगवान में। उन्होंने की कोई बात नहीं, अब अम्मा खांसे की सरकार लेके धीरे से छुपवा देंगे। महाराज अम्मा जैसी खांसे जब ही बर्तन पकड़ाए थे, वो सोने को जाए पकड़े, वो सोने को जाए पकड़े, वो सोने को। उषा को मन अब कथा में नहीं लगो, अम्मा के मैं निगारे, अम्मा कब खांसेगी? नौकरे अम्मा फट पकड़ा दी। राजेश तो बोली, छोड़ो कहा है ये पंडित पर छुना देगी, अम्मा ने चमत्कारी। अब बेचारे राजेश चुप जा, गुरु जी मारेंगे। अब नहीं मानी, नारी के सामने कहाँ चले। आरती हो गई, बाद में घर गए, निकल के जैसे सब लोग गए तो अम्मा बड़ी बूढ़ी तो थी, मैंने कि अरे बेटा पे कहाँ चलो जाएगा, अरे बेटा। उनने कही अम्मा तुम बैठ जाओ। अरे बेटा, अरे बेटा मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। क्यों, क्या बात है? अरे बात काहे की गद्दी पे बैठ तो काहे की आंख चलावत है, मुँह बड़ी डल लगत। अच्छा अम्मा कोई बात ना, मैं उनसे बात कर लूंगी, तुम रुक जाओ। अम्मा तुम्हारा काम कौन सा है? अरे बेटा हमने सुनी पल्ले क्षेत्र दिया के कथा है रही है, तो हम चले आई तुम। चलो अम्मा कोई बात ना, मैं उनसे बात करूँ, अभी नीसू के पापन थे, चिंता मत करो, तुम हमारे घर रह लो। कहाँ, कहाँ रह लें? वही कमरा में ही। अच्छा सुन, मैं ना रहूंगी के तो तेरे घर में गिरेगो या मैं रहूंगी? उषा ने की याद का मतलब कि तो कपड़ा ले आवे धोवे के लिए बेगर करे, या रोटी खवाओ, एक आध आदमी सही हो, आठ दस संग राखे। अम्मा अकेली रख गोल्ड गोल्ड बना रही है। सुनो नीसू के पापा कहाँ, इधर आओ, अपने गुरु जी पिता करो, खोपड़ो चाट को पांच दिन में। अच्छा का है गो? अम्मा देखो कितने बर्तन सोने के कर देगी। हाँ ये तो बात सही है, तो फिर अम्मा राखेंगे घर में, ठीक है। तो पर एक बताऊं सा, पछतावेगी तू। ना ना ना, विदा करो जो को घर घर ना आ जाए, अपनी पल्लम को टम्पू पकड़ने कर जाए सीधे। तो ठीक है, सात दिन है तो पांच दिन की सही कथा तो कथा ही है, है? आज ही आरती करवा दे, सही है ना? अधक हाँ निकल नहीं जाएगा। अब महाराज गाड़ी दक्षिणा दे दे ही, बोले प्रभु मुझे अर्जेंट काम आ गया, छुट्टी नहीं मिल रही है बैंक से, है ये है वो है। अब कैसे कह के उषा ने कहा है, भगवान समझ गए, बोले वही ने चक्कर चला दिया अपना, चला दे चल दिया अपना टोसा टम्बर, अपना छोटू उठाए कंधा डालो चले गए मारे। मंगलम तक ना पहुंचे। अम्मा ने कहा तेरे खांसी खुल्लू खुल्लू करो, कूलर फूलर जो अलमारी ना भीतर सेफ लग रही सब सोने की कर दी। अम्मा का खावेगी? अरे बेटा कछु बना ले, दाल चावल बना ले, तेरी मर्जी कड़ी बना ले, हम तो जो बन जाएगा सही खा लेंगे बेटा। हैं? अम्मा को बढ़िया भोजन करवाई। अब अम्मा खाए पी के फर फर, राजेश ने खर्राटे चालू करी। कौन है घर में? केला साण आएगा। हैं? महाराज भाग छूटे लोग। अम्मा बोली यहाँ तो मर गए, या की बड़ी अच्छी ऐसी माए ना सोवे ना रात को सुन दे, या को तो खर्राटे बड़े बड़े मारे। सब देखे कि कोई ना है, गेट खोलो अम्मा अंतर ध्यान। जैसी अम्मा अंतर ध्यान भई, और उषा ने सवेरे जल्दी जग के देखी कि बर्तन सोने की, अम्मा कहा अम्मा की चाय पानी बनाऊ, देखे तो बेड खाली। जैसी अलवारी पहली थी वैसी लोहे की बन गई,
लोटा बोटा जैसे से सब ऐसे बन गए जैसे पहले थे, अब तो पछतावे मुड़ मारे। सुनो सुनो सुनो, यहां में एक बहुत ही खासियत ने कोई बात सुनिए सुनिए सुनिए, एकदम आदमी ना उछल तो उछल जाए। हाँ ऐसे चिल्ला के पड़े जाए तो पागल पड़े कहा ऐसे करे ना। अब बेचारा राजेश बोलो कहा बात है, खर्राटे जगत आएगा क्या हुआ क्या हुआ क्या अम्मा कहाँ गई घोर का पत्री अम्मा फम्मा की जितनी अलवारी सोने की सब देखें जैसे पहले थी ऐसी हो गई। तो आज राजा बलि भी उसी तरीका से बहन के चक्कर में तो आ गया। राजा बलि ने माता लक्ष्मी ने राखी बांधी, मंत्र बोला ये न बंदरो बड़ी राजा दान बिंद्रो महाबला तीन अंत पक्षे माँ चले माँ चला। मंत्र बोल की कलावा बांध दिया हाथ में, पहुंची बांधते ना पहुंची बांध करके। अब तो राजा बलि पछता रहा है, कह रहा है क्या घरे राम रही ना माया, बलि श्री दुन के पछताया घरे राम रही ना ए माया, ओ बलि श्री दुन धुने पछताया। दोनों दोनों बेखुंड गए सिधारे, बहना बड़ी दूरी से आई हो छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई बड़ी दूरी से आई भैया बड़ी दूरी से आई छोटे भैया तेरे द्वार, बहना हो छोटे भैया तेरे द्वार बहना। बोली गोविंद भगवान की जय। बोले करे आज ना घर में माया रही ना राम, देख लो भैया क्योंकि ये माया की चाकी चल रही है। जितना भी कुछ है माया कि माया की चाकी चल रही है, मन पिसमत जइयो भैया माया की चाकी है, हैं? हमारे गुरुजी गाते थे इस गाने को, माया की चाकी चल रही है मन पे समझ जाइयो भैया, क्योंकि तेरा मेरी मेरा तेरी में करते करते सुबह शाम बीत जाए मेरे भैया, और माया की चाकी चल रही मन पे समझ जाइयो तू भैया। बलि भी पछताने लग रहा, मेरे बहन बनकर के आई मैंने इसे सब कुछ दे दिया, रुक जाओ अब नहीं जाने दूंगा। सावन की तीज माई थे, सावन श्रावण मास में तीज मनाते, तीज जिसे कहते हरियाली तीज, मना में तुम्हारे यहां ना है दोनों करीब बिहार में ना मना में ना मना में, हाँ बिहार ही ना मनाते पता, हाँ रक्षाबंधन में मनाते बिहार में, तो मना में रक्षाबंधन सीख गई हैं दिल्ली में आ गए जो सीख गई नहीं बिहार में कहूँ ना मना। हाँ मैं 3 साल से जा रहा हूँ बिहार में ऐसे थोड़ी है। बोले गोविंद भगवान की माता, बस दो ही चीजें पेट पूजा जाने कुछ ना जाने जाने कुछ, या बस एक सीख गए छठ आती है दीपावली के बाद में, हाँ हाँ कहाँ सीता जी मिल रही माँ मस्तीपुर में। बोले गोविंद भगवान की चलो देख रहे हैं अभी कन्यादान का नंबर आ रहा कौन कौन माँ नहीं ज्यादा बेटी ने अभी बता देंगे। अब तो महाराज विश्वामित्र जी लेके चले गए, समझाया पागल है सबको आना है किसी को जाना है, सब जाएंगे तो नया आएगा नया जाएगा तो पुराना आएगा सबको जाना है, चलो लेके चले गए। क्या देखा कि आश्रम एक देख मखमाही, खग मृग जीव जंतु ते नाही, आश्रम दिखाई दिया और आश्रम दिखाने के देखने के बाद में उन्हें मां जीव जंतु कोई दिखाई नहीं दिया उस आश्रम पे एकदम शांत। पूछई मो नहीं सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही रे बिसेखी, पत्थर की शिला देखी उसकी एक नारी बनी है, क्या बनी है नारी। महाराज ये क्या है, ये गौतम की नारी अहिल्या है, उसने कथा सुनाई थी ना मैंने गौतम की नारी की,
वही अहिल्या है। कैसे कैसे बन गई? कि इंद्र ने कहा चंद्रमा के हाँ तो मैं मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? कि मैं गौतम के यहाँ छल करने जाऊँगा, उसकी नारी बड़ी सुंदर है, अति सुंदर नारी है। तो फिर क्या करना है सुनो, क्या करना है? तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम बाण लगा देना, मैं छल कर आऊंगा। तुम बाण लगा देना, मैं छल कर आऊंगा। तुम बाण लगा देना, मैं छल कर आऊंगा। नारी बड़ी सुंदर जय हो। इंद्र ने कहा चंद्रमा से, ऋष नारी बड़ी सुंदर, दिल आयो ता ऊपर। ऋष नारी बड़ी सुंदर, दिल आयो ता ऊपर। तुम बाण लगा देना, तुम बाण लगा देना, मैं छल कर आऊंगा। तुम ऋष को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम ऋषि को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम बाण लगा देना, तुम बाण लगा देना, मैं छल कर आऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना। क्या करना है? कि तुमको बाण लगा करके गौतम ऋषि को महकाना है। क्यों? कि वो 4 बजे गंगा नहाने जाते हैं, उससे पहले भगा दो, गंगा नहा के लौट के आएगा, जब तक मैं अपना काम कर आऊं। ठीक है, वही हुआ। गंगा में गौतम जी गए, गौतम गंगा में जैसी घुसी तो उन्होंने आवाज लगा दी, ए पापी, तुमने क्या किया? तेरे घर में जाके देख छल हो रहा है। गौतम जी धोती भीगी हुई को हाथ में लेके भागे, और ये मुर्गा घूम रहा था कुटिया के पास। जैसी धोती गीली हाथ में थी, उन्होंने एक इस मुर्गा ने मेरा धर्म बिगाड़ा है, इस मुर्गा ने, क्योंकि पहले घड़ी नहीं थी, मोबाइल थे नहीं थे टाइम देखने के लिए। मुर्गा बोल गया, पीजी फट गई, दिन निकला, चलिए जगिए। जैसी ये धोती मारी तो आधे चेहरा पे आए। किस पे आई? आधे चेहरा पे। आज भी चंद्रमा में दाग लग रहा है ना, देखा है कि नहीं? बहुत से लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी चरखा कात रहे इसमें बैठ करके। ये महात्मा गांधी का चरखा नहीं है, ये गौतम ऋषि की नार का धोती का। चंद्रमा ने कुछ किया तो नहीं था ना, कोई बुरा काम किया था क्या? भाई राजा है, सरकार है, सरकार कह दे कि बिजली नहीं आएगी तो नहीं आएगी, तुम बुरा लोगे क्या? सरकार का आदेश है कि दिल्ली में बिजली कट गई तो लोग मर जाएंगे, हाहाकार मच जाएगी, बिजली कम से कम काटो हैं? सरकार कह दे कि अब बिजली का बिल 8 रुपये रीडिंग नहीं है, 15 है, देना पड़ेगा ना। अभी कह दें घोषणा करके 2000 का नोट बंद है, कथा किसी को छीलेंगी, भाग के लाइन में लग जाएंगे, जाके बंद करवा। सरकार है, इंद्र भी सरकार है। इंद्र ने कह दिया तोता चंद्रमा तुझे मेरा साथ देना है। तो देख लो मनोज जी, गलत का साथ देते हैं तो चेहरा पे दाग लग जाता है। इस कथा से क्या मिला आपको? यदि तुम गलत आदमी का साथ दोगे तो दाग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दाग लग जाएगा, ध्यान से सुनना। और अच्छे आदमी का साथ दोगे तो क्यों जी? अच्छे आदमी की भी कथा सुनाऊंगा, अभी रुक जा 2 मिनट, आइए आगे गई। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पत पाए। अभी कह रहे थे मिथिला पत की बात करें, सीतामढ़ी जी की ना, वहीं आगे चलो, आ जाइए।
जनकपुरी में पहुंच रहे हैं। अरे विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। समाचार मिला विश्वामित्र जी आए बगिया में। श्याम गौर मुख बसही किशोरा, लोचन सुखद विसुचित चोरा। राम जी ने कहा गुरुजी, गुरुजी के हाँ हम इस मंडावली में घूमिया में। लक्ष्मण कह रहा है, राम ने ये नहीं कहा मैं जाऊंगा, ये लक्ष्मण कह रहा है, छोटा बालक है ना, छोटा भैया है, अरे जा रहे हो तो घूम बे। जैसी उन्हें कही, लक्ष्मण जी कितनी हिम्मत नहीं बोल जाए, दोनों भैया घूम रहे हैं। जो नारी देखती है मिथिला पति की, मिथिला नगरी की जो नारी देखती है, वो कहती है कि यदि ऐसा पति मेरे होता तो क्या कहने, ऐसा पति मेरे होता। सब देख रही हैं कि ये राम लक्ष्मण दोनों की जोड़ी है। और कहा हम पे चलाए गए जादू टोना, किशोर गोर सामरो सनोना। हम पे चलाए गए जादू टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। आज सभी गोपियां जितनी भी मिथिला पति की नारी हैं, सब दीवानी हो गई राम जी की। राम ने मन में संकल्प कर लिया, अभी कुछ नहीं करूंगा, अब तो मैं एक ही शादी करूंगा महाराज, अगले आऊंगा जब तुम सब मेरी पत्नी बन जाना और मैं सबका पति बन जाऊंगा। कब बना था? द्वापर में कल रचाएंगे रास महाराज, ठीक है। पहुंच गई कहां, जनक जी ने घोषणा कर दी थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो मेरी सीता से नाता। अब तो महाराज जैसे ये बात घोषणा हुई, सभी राजा लोग गए। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुने जो प्रणय ठाना। कहूं कहा परे लाभुन भावा, काउन शंकर चाप चढ़ावा। जो राजा आता है दम लगाता है मगर धनुष नहीं हिलता है। यदि मैं राम कथा को कहता रहूं ना तो 9 दिन में पूरी नहीं होगी राम कथा, बड़ी सुंदर है। कन्हैया को बुलाना है और 6 बज गए, बड़ी स्पीड से चल रही घड़ी, आता हूँ चलो। अब राजा दशरथ घबरा गए, जनक जी घबरा गए। क्यों? मैंने कहा कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो सीता से नाता जोड़ लेगा। अब तो महाराज एक बात बताओ कि धनुष टूटे रो ना है, धनुष टूटे को ना है, सीता को ब्याह। और जब घर में बेटी सियानी हो जाए तो नींद नहीं आती, आती है? अब तो चिंता हो गई, घबराने लगे और क्या कहने लगे, सिया मेरी ए लली मेरी कुआरी रही, मैंने व्रता धनुष की ठानी। रे लली मेरी कुआरी रही, मैंने व्रता धनुष की ठानी। या मेरी कुआरी रही, मैंने व्रता धनुष की ठानी। देश देश के भूप बुलाए, देश देश के भूप बुलाए। काऊ राजा ने न मान बढ़ाए, काऊ राजा ने न मान बढ़ाए। जा मैं तेरी, जा मैं मेरी हार भई, मैंने व्रता धनुष की ठानी। रे जिया मेरी पारी रही, मैंने व्रता धनुष की ठानी। मैंने व्रता राजे
अंसिया मेरी, लली मेरी, बेटी मेरी कुआरी रही, मैंने ब्रदादन तक ही ठाड़ी रे, मेरी कुआरी रही, मैंने ब्रदादन तक ही ठाड़ी। ये घोषणा कर दी, चिंता मत करो, जो भी राजा आएगा नाता धनुष को तोड़ देगा, नाता जोड़ लेगा। मगर मनोज भैया हुआ क्या, एक एक करके सब हट गए पीछे। अब राजा घबरा गया, क्या होगा, काउ छत्री पे धनुष ना टूटो, 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 सब विद भाग्य लली कोरे फूटो, सब विद भाग्य लली को फूटो, जामे मेरी, जामे मेरी, जामे मेरी, हर भाई मैंने व्रता धनुष की डाले लली मेरी। अरे कौन मरे तेरे द्वेष कहे जाए, कौन मरे सुखे जाए चार, कौन मरे सुखे जाए छे और कौन मरे सुखे जाए आठ, अरे कौन मरे तेरे दस दस सुखे जाए, दुनिया मर दो अरज हमार, और बताया, अरे माता मरे तेरे द्वे सुख है जाए, पिता मरे सुख है जाए चार, भाई मरे ते छे सुख है जाए, मामा मरे सुख है जाए आठ, मरे तेरे दस सुख है जाए, दुनिया मर दो अरज लगाए, और बताया क्या, अरे मैया मर जाइयो रे के कैसी, जाने राम रे दयो भिजवाए, पिता रे मर जाइयो हिरणा का सबसो, जाने पहला दो दियो रे सताए, भैया मर जाइयो रे बाली सो, जाने नारे कुलयो रे छिनाए, मामा मर जाइयो रे सु, मामा मर जाइयो रे माहिल सो, जाने मोबो दया लुटवाए, जाने नाक कान दिए कटवाए, भैया धीरे बेटा धीरे, लाला धीरे धीरे, कथा कथा मेरी आगे बढ़ रही है, भक्तो धीरे धीरे, कथा आज आगे को बढ़ रही है, आगे को बढ़ रही है, मुकेश बेटा आगे बढ़ रही है, मेरी धीरे मेरी धीरे धीरे कथा। अब तो जनक जी घबरा गए, हैं कांपन लगे, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, जाए उठाए धन अतलीना,
गुरु को प्रणाम मन ही मन किया। क्यों जी? जब गुरु बराबर में बैठे हैं तो उन्होंने पैर क्यों नहीं छुए? राम जी ने पता नहीं क्यों नहीं छुए कि या बाबा के पैर छूंगे तो हम तो और बड़े बड़े बैठे हैं, हम तो सब बड़े ही हैं। राम जी भाई 15 साल की उम्र थी, सबके पैर छूंगे और सबके पैर छुए में कोई बड़वान लग रहा है, ताकतवर वाला आदमी आयो भगवान ने धनुष तोड़ दो तो वो सीता से ब्याह कर ले जाएगा, हम तो पैर छुए में रह आएंगे। ये तो कारण था नहीं, उनके गुरु कौन है? राम के वशिष्ठ। प्रथम गुरु कौन है? माता पिता। राम जी ने कहा कि हे माता पिता, हे गुरु वशिष्ठ जी महाराज, मैं तुम्हारे ना होने पर भी आज मुझे मजबूरी है कि ये कहा के हे देश देश के राजा हो, हम किसे कहें बलशाली है। मुझको ऐसा एहसास हुआ पृथ्वी वीरों से, इसलिए मुझे धनुष तोड़ना पड़ रहा है, और धनुष टूट जाएगा तो फिर तो माला पड़ेगी, और माला पड़ेगी तो फिर क्या होगा भैया मुकेश? हाँ देख ले कि माला पड़ जाता का जिंदगी रुबावेगी माला। हाँ बुरा मत मानी, तुम्हारी यही है पक्की पता है? हाँ ठीक है। था बोले गोविंद भगवान की। अब तो महाराज श्री राम जी ने जाके उठाए धन अतलीना, धन से उठाया और पकड़ के पट तोड़ दिया बीच में। जब धनुष टूटा सीता जी आई, सीता की उम्र है 6 साल 10 दिन, राम की उम्र है 15 साल। ये आज भी मां प्रथा चली हुई है इधर मिथिलापुरी में, उधर विवाह करते हैं तो लड़की की उम्र कम से कम 30 से ऊपर होगी, जब लड़की उम्र 20 और 22 होगी, 10-12 साल का अंतर रखते हैं। जानते सुनना। अब तो महाराज जब सीता जी राम लंबी पोई के जैसे वहां मरोज है, बेचारी सीता गट्टी पोई की थोड़ी सी, तो आजकल के बालक भी करते हैं कि ओए बहू के सामने झुक मत जाइयो गड़बड़ जाएगी। तो महाराज राम जी ने ऐसे कर लो सुकड़ खड़ा जाया थे तन्ना के, और सीता जी बहुत ही उचक रही हैं, अपने को लंबी पोई के कैसे अटके उचके बेचारी। बहुत देर रह गई, राम जी ने लक्ष्मण जी बोले चकले मूड हला दो, फिर दोबारा कहीं नीचे कर ले जल्दी माला पड़ जाएगी तो हमारा नंबर आ जाएगा, सब तो ऊंची पर ठाड़ा हो जाके। सीता जी ने देखा कि मूड कहां तला रहो, यहां में कौन सा रिमोट लग रहा हो, कहीं कर रहा ऐसे करके, जैसे ही माला ऐसे घुमाई सीता जी लक्ष्मण की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए। बेटा तूने तो ये कहा था कि मां जब जब तुझ पे संकट पड़ेगा तो मैं तेरी सहाय करूंगा, तेरी मदद करूंगा, तो क्या करूं? इशारों में बात होती ना आजकल ज्यादा, क्या करूं? ऐसे कर देना। हाँ ऐसे ना करूंगा। क्यों? कि यदि मैंने पृथ्वी को ऐसे उठा दिया तो मेरो भैया धड़ाम से गिर जाएगा, तो फिर कछु तो कर, जाते माला पड़ जाए। अब राम जी नहीं माने, लक्ष्मण जी उठ के गए खड़े भाई और जाके पैर में पड़ गए और पैर में जाकर रोने लगे। लक्ष्मण जी राम जी कह रहे हैं अरे खड़ा है जा, पर लक्ष्मण जी नहीं उठते। क्यों? इतने रोज जब आंखों पे आंसू गिरने लगे ना, राम जी का हृदय बड़ा कोमल है, राम जी तुरंत नबे, और जैसी नबे सीता जी ने गट माला डाल दी, और जैसे ही माला डारी बोले तुम रोवो करो मैं तो चली, हाँ तुम रो चाहे हंसो, अब तो माला पड़ गई ये लाला, क्योंकि माला गले पड़ जाता निभानी पड़ती है। बोले गोविंद भगवान की। अब तो माला पड़ गई, सब काम है गई, तब तो का है कन्यादान को नंबर आना चाहिए, हैं आओ जल्दी जल्दी आओ, क्योंकि कन्हैया को बुलाना है, बर्थडे आज मेरी काना का, मेरे कान्हा का बर्थडे आज मेरे कान्हा का। बोले गोविंद भगवान की। आइए बने भगवान श्री राम है, क्या बात है, दूल्हा बने भगवान श्री राम है,
सीता को कर लो कन्यादान है हो भगवान श्री राम है सीता को कर लियो कन्यादान है दूल्हा बने श्री भगवान है सीता को कर लियो कन्यादान है बढ़ा दियो दूल्हा ये कैसा भोला भाला है अच्छा कल में लटकी फूलों की माला है अरे दूल्हा ये कैसा भोला भाला है ओ कल में लटकी फूलों की माला है दूल्हा की कर ले ओ पहचान है अच्छा दूल्हा की करो सभी पहचान है सीता को मरियो कन्यादान है मथुरा के राजा हैं उग्रसेन उनका बेटा कंस कंस ने अपनी बहन चचेरी देवकी की शादी बसुदेव हैं बटेश्वर के राजा उसके साथ में शादी करी सोने के साथ रथ सोने के चांदी के सब के साथ साथ रथ मिलाकर के दान किया और उसके बाद में राजन परिचय ध्यान से सुनना आकाशवाणी हो गई के कंस जिस देवकी को तू हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहा है उसी देवकी के गर्भ से आठवीं संतान तेरा काल होगा काल होगा काल होगा आज जैसी आकाशवाणी हुई
कंस ने रथ को रोक लिया। देवकी के केसों को पकड़ के हाथों से खींच करके रथ से नीचे उतार लिया। आज देवकी मन में सोचने लगी, भैया क्या कर रहा है। आज समझाया, बहुत ही समझाया कंस को कि सुन मेरे भैया, पढ़ू मैं तेरे भैया, सुन मेरे भैया, पढ़ू मैं तेरे भैया, संग में करे तो क्यों तो गात है, सुन मेरे भैया, ए भैया सुन मेरे भैया, मैं पढ़ू तेरे भैया, संग ना करो मेरे घात है, सुन मेरे भैया। तुम भैया में बहन तुम्हारी मत बहना कुमारो, हंसी खुशी से विदा करो मत भैया बादर फारो, सुन मेरे भैया, मैं पढ़ू तेरे भैया, सुन मेरे भैया, मैं पढ़ू तेरे भैया, संग में करो ना मेरे गात है, सुन मेरे भैया। कहती है बहना मेरा मान लिखना, कहती है बहना मेरा मान लिखना, तो कर जोड़ू तेरे हाथ रे, सुन मेरे भैया, ओ भैया मरू तेरे भैया, संग में करो ये मेरे घात रे, सुन मेरे भैया। मत मारे भैया मोकू बनी की कसाई, रोती है बहना मेरा मान लगना, रहती है बहना रोती है बहना मेरा मान लगना, ओ भैया से कहती ऐसी बात है, सुन मेरे भैया, पढ़ू तेरे भैया, संग ना करो तो मैं गात है, और कहने लगी क्या कह रही है, भैया बहन का बड़ा, भैया बहन का बड़ा निर्मल नाता, भैया बहन का बड़ा निर्मल नाता, भैया बहन का देखो बड़ा निर्मल नाता, इस नाते को भैया संसार गाता, इस नाते को भैया संसार दाता, क्या बात बताई, अच्छा क्या कलम चलाई, क्या बात बताई क्या कलम चलाई, पवन भी रहता तेरे साथ है, सुन मेरे भैया, क्या बात बड़ा तेरे भैया,
करो मेरे हाथ है। आज बहन ने हाथ जोड़ी पैर पकड़े, भैया क्यों मानना चाह रहा है? तूने आकाशवाणी नहीं सुनी कि नहीं? तो मुझे क्या पता था कैसी जहरीली नागिन मेरे घर में ही पल रही जो मुझे टसेगी। मुझे नहीं पता था आज वही नागिन, अब तो नागिन पहले फर्स्ट थी, सेकंड हो गई, अब तो थर्ड आ गई नागिन जहरीली। ये थर्ड तो ज्यादा जहरीली नागिन है आज। हाँ, दाना बहन बहनों को जेल में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ कंस ने मार दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, सातवां गर्भ खंडित हो गया, छह पुत्रों का वध कर दिया। सातवां जब गर्भ खंडित हुआ तो महाराज कंस को चिंता लगी कि अब क्या होगा, अब तो सात खंडित हो गए तो आठ ही आठ रह गए। बैठ जा रे, नीचे बैठ जा, आठ ये ध्यान देना, किसी को आठ गलत होते तो किसी के आठ बना देते ठाट, किसी के आठ बना देते ठाट और किसी की तोड़ देते खाट। अब महाराज कंस को चिंता लग गई, नींद ना आवे, रात भर भाग डोले क्या होगा क्या होगा। हैं हाथों में हथकड़ी पांवों में बेड़ी डाल दी, अब तो महाराज चिंता लगने लगी। दिन दिन बीत रहे, बादों की रात है अंधेरी, पत पत्नी दोनों बैठे कहते कि मैंने तेरे साथ में विवाह नहीं करता तो मैं जेल में नहीं होता। यदि मैं तेरे साथ में विवाह नहीं करता तो मैं जेल में नहीं होता, किस तरीका से क्या कहने लगी। मुकेश बाबू समझ में आ रही है ना, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है या लगाया जा रहा है? लग रहा है ना, तो थोड़ा तो किस तरीका से क्या कहने लगी। ओ पिया धड़के जिया कुछ न जाए किया, और जेल में पैदा होगा मेरा लालन कैसा होगा, और लालन जैसा भी हो उसका पालन कैसे हो, उसका पालन कैसा होगा। ओ पिया धड़के जिया कुछ ना हो जाए किया, जेल में पैदा होगा मेरा और लालन कैसा होगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ एकदम जलेबी की तरह सीधे करके, और लालन जैसा भी हो उसका पालन कैसे होगा। ओ लालन जैसा भी हो उसका पालन कैसा होगा। कितने ये मरी गए लाल हमारे, कितने ये मरे गए लाल हमारे, चूमे न पाई मैं तो राज दुलारी, चूमो न पाई मैं तो राज दुलारी। और भैया मनोज एक एक दिन भारी होगा रे मुझको, एक एक दिन भारी होगा रे मुझको, सालन कैसे होगा। ओ रवि और सालन जैसा भी हो इसका पालन कैसे होगा। अरे लालन जैसा भी हो सुखा पालन कैसा हो।
रत्न में क्या लिखा, क्या कह रही देवकी? कैसिया की जानी बचेगी, कैसे जाकी जान बचेगी। भैया मुकेश, ओ मुकेश क्या कह लग जी, कैसे ये लाला की जानी बचेगी? क्यों का है? हमें तो कम लग रहा हूं। कुदरत जाने कैसे खेल रचेगी, कुदरत जाने कैसे खेल रचेगी। भैया मुकेश अकेले राजेश, जाने कैसे जाकी जाने बचेगी, क्योंकि खेल बहुत भारी है भैया, कम से कम हाथ बीचों को तो 2 लाख चाहिए। कुदरत जाने कैसे खेल रचेगी, और क्या विधि की विधना का ये और संचालन जैसे होगा। ठाकुर साहब बच्चे मैं देख रही हूँ, और संचालन जैसे भी हो इसका पालन कैसे होगा, पालन जैसा भी हो इसका पालन कैसा होगा। क्या कह रही है देवकी? और मरे परी एक तो बचाओ, और मरे तो जीतू मरे तो एक बचाओ। स्वामी यदि तुम पे एक पति एक बेटा नहीं बचा तो क्या होगा? और मरे एक तोरे बचाओ, जिंदा स्वामी तुम मोहे न पाओ। क्या? और इस कंस के अत्याचारों का, अरे इस मामा के, इस मामा के अत्याचारों का ये संगालन कैसे होगा, संगासन जैसे होगा इसका पालन कैसे होगा, लालन जैसा भी हो सका पालन कैसा होगा। और अंत में ठाकुर साहब ध्यान देना, मैं सभी से कह रहा हूं, अब झांकी आ रही है देखते रहना। मानूंगी एहसान तुम्हारो, मानूंगी एहसान तुम्हारो। उधर देवकी कह रही है, इधर मैं तुमसे कह रहा हूं, मानूंगी एहसान हमारो, मानूंगी एहसान तुम्हारो। रहे रे सलामती राजेश हमारो, रहे रे सलामत पवन हमारो। क्योंकि इस समय राजेश बा है संकट की घड़ी, क्योंकि ये जितने बैठे संकट में बैठे सब ने, कि सब राजेश के जिम में बैठे हैं बेचारे, ये पकड़ेंगे कल के बाद है। और है संकट की घड़ी तो स्वामी, है संकट की घड़ी तो इसका और टालन कैसे होगा, कैसे होगा। अरे लाला कुधर के छबरिया में, छबरिया में भालों की बहन अंधेरिया में, भालों की बहन अंधेरिया में। अरे लाला कुधर के छबरिया में, छबरिया में भालों की बहन अंधेरिया में। मुझे मुझे बरसे फुहारे, वसुदेव मन
को बदलिया में जब गोकुल की सूरत लगाई बोली बाल कृष्ण भगवान की जोर से बोलेंगे सभी बोली बाल कृष्ण भगवान की कन्हैया लाल की अरे कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंदगर आनंद भय जय कन्हैया लाल की नंदगर आनंद भय जय कन्हैया लाल की ज्वानन कुहाती घोड़ा भूड़न भूपाल की ओ ज्वानन कुहाती घोड़ा भूड़न भूपाल की ज्वानन कुहाती घोड़ा भूड़न भूपाल की नंदगर आनंद भय लाल की नंदगर कडूला दीने दीने मुक्ता बाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की अरे जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की और तेरी ये 1100 रुपए की बधाई हमारे परीक्षा जी राजेश जी ने दिया है और आइए जिस किसी को भी बधाई देनी है काना की क्योंकि भाई किसी से मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ सबका भाव है जैसा भी है श्रद्धा माइए अरे दे देरी मैया दे दे बधाई दे देरी मैया क्यों खड़ी है जाए बेटा रो मत रो मत रो मत वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी ओ दे देरी चौरासी कोस में देखो भीर जुड़ी है भारी चौरासी कोस में देखो भीर जुड़ी है भारी अरे मात यशोदा ने लल्ला जायो अच्छा मात यशोदा ने लल्ला जायो खुशियाँ है रही भारी हो तेरी हो तेरी हो तेरी ही कोस में आयो बोली बाल कृष्ण भगवान की जय क्योंकि 6:30 अलना में वेदन में सुने आई
भाई तुम कैसे भक्त हो, सादा कर दो थोड़ा सा। आज मेरे कान्हा का जन्मदिन है और तुम नाच नहीं रहे हो। अगर तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन होता तो मारा छोटा सा स्पीकर लगा होता ना, उस पर ऐसे नाचते चाहे लेंटर टूट जाए। भाई सभी को नाचना, तुम्हें कसम है अपने अपने पड़ोसी की, और तुम्हें कसम है अपनी उनकी, और उन्हें तुम्हारी कसम है उनकी। और सभी नाच कर हाजी लगाएंगे। हो मैया ने जायो लाल राम, वेदन में सुने आई मैया ने जायो लाल राम, वेदन में सुने आई मैं, 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 वेदन में सुने आई यशोदा ने जायो लाल राम, वेदन में सुने आई। एक बार मत फोड़ो गुब्बारे में, फोरे ए सुंदरता खत्म मत कर। अरे 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 गुब्बारे के फोरे बाड़ा।